हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी बजे हुए दोपहर के 1:30 बजे में अभी, और बस मैं जस्ट नहा कर आई हूँ। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल सकता है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। और कल भी मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था और परसों भी नहीं किया था, तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है। यही कोल्ड का फोर रखा है मुझे। और वैसे हमारी सबकी तबीयत थोड़ी बहुत तबीयत सबकी ख़राब है। काव्या की भी अभी तबीयत ख़राब है, तो अभी उसको डॉक्टर के लेके जाऊंगी मैं। मैंने उसको दिखा लिया है डॉक्टर को, बट उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। थोड़ा बहुत है, बट अभी मैं जाऊंगी उसको वापस से डॉक्टर को दिखाने, और मैं भी दिखा के आऊँगी डॉक्टर को। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल मकर संक्रांति है, तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो वैसे इधर बीकानेर में तो इतना नहीं है उसका मकर संक्रांति का, बट जयपुर में बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे से मनाते हैं जयपुर में। और जयपुर की मुझे मकर संक्रांति बहुत अच्छी लगती है। बीकानेर में इतना नहीं है, पतंगे वगैरह उड़ती है पर इतना नहीं उड़ती जितना जयपुर में उड़ती है। जयपुर में बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, बट यहाँ पर नहीं होता, बस यही थोड़ा बहुत होता है। और यहाँ पर बीकानेर में मकर संक्रांति पर पतंग वगैरह नहीं उड़ती है, यहाँ पर आखा तीज पर पतंग वगैरह उड़ती। तो बस अभी मैं करूँगी लंच, क्योंकि मैंने अभी तक लंच नहीं किया है। सुबह नाश्ता वगैरह कर लिया था और टैबलेट्स वगैरह ले ली थी, तो अब मैं लंच करूँगी। और आज मैंने बहुत ही टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी बनाई है, मैंने बनाई हल्दी की सब्ज़ी। और अगर आप सब लोगों को भी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं आप सब लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ही टेस्टी बनी है सब्ज़ी हल्दी की। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है, बट अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। और ये आ गया है शादी का कार्ड। दिव्या माईसा, अगर आप देख रहे हो वीडियो, तो शादी का कार्ड मेरे पास पहुंच चुका है। वैसे मेरे पास पहले ही आ गया था व्हाट्सएप पे। हम वैसे मैंने कर ली है तैयारियां, बट थोड़ी बहुत तैयारियां हम कर लेंगे और फिर हम जाएंगे जयपुर। तो अब मैं जाऊंगी 16 या 17, या हो सकता है उससे बाद में जाऊँ, मैं शादी में जाऊँगी। और आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे अब। तो अगर आप मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज़। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं होने वाला है और मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे मोटिवेट हो जाऊँगी कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है यार कि अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो काम करने का मन करता है और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। और आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है जो मैं आपको तो अभी शाम के बजे हुए 4:30, और मैं बस इतनी देर धूप में थी, सुबह से मैं धूप में ही थी क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है, तो इस वजह से धूप का फुल लुक उठाया हमने। और मैंने आज बहुत मुश्किल काम कर लिया अभी, क्योंकि रात को मेहंदी तो लगानी थी, कल मकर संक्रांति है इसलिए, तो मैंने दिन में ही मेहंदी लगा ली क्योंकि रात में पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठंड भी लगती है, तो दिन में ही धूप में ही लगा ली थी मेहंदी ताकि सूख भी जाए। तो मेरी मेहंदी भी सूख गई है और अब बस मैं नीचे आई हूँ। और मम्मी ने बोला कि आप चाय बना के ऊपर ले आओ, लेकिन मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, मम्मी को नीचे ही बुला लूँगी क्योंकि ऊपर ठंड भी है। अब इतनी देर तक धूप अच्छी थी बट अब ठंडी हवा चलने लगी, इसलिए मैं मम्मी को नीचे ही बुला लूँगी और हम दोनों बैठ के पियेंगे चाय। पापा भी सो रहे हैं, तो वैसे पापा का भी टाइम हो गया चाय का, तो पापा को भी मैं बोल दूँगी चाय के लिए, चाय पापा को भी दे देंगे और हम भी पी लेंगे चाय। और अगर रात को मेहंदी लगाती तो वैसे ही मुझे कफ कोल्ड हो रखा है और फिर और ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं अभी मेहंदी लगा ली। मेहंदी से काम भी फ्री हो चुकी हूँ मैं। और हमारी काव्य की तबीयत अब पहले से थोड़ी बेटर है, तो बस मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और हम खा रहे हैं पॉपकॉर्न, ये बच्चे सबके हाथ में पॉपकॉर्न है। खाने दो, खाने दो, जाओ खत्म हो जाएंगे। और ये बीमार बच्चे, ये नहीं मैं, यही तो मैं और काव्या, ये और काव्या बीमार है। ये देखो, हेलो मम्मा मी। तो अभी रात के 8 बजे हुए हैं और मैं काव्या को नेबुलाइजर कर रही हूँ अभी।
तबीयत ख़राब है, इस कफ ज़्यादा हो रखा है इसको। वैसे दवाई मैंने दिलवा दी है बट कफ बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको अभी नेबुलाइज़र करूँ क्योंकि उसी से इसको फ़र्क आता है। नेबुलाइज़र नहीं करूँगी तब तक इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमें ये सो गई है अभी, इसको बस दवाई वगैरह दूंगी फिर इसको सुला दूंगी। मैं वैसे सो गई है, दवाई तो बाद में भी ले लेगी है। काव्या काव्या इधर देखो, काऊ इधर देखो बेटा, काव्या गुट्टू गुट्टू इसको नींद आ रही है। हेलो गाइस, तो ये हमारे नाना है, ये पूरे दिन क्या सोचते रहते हैं इतना पता नहीं, ये पूरे दिन फोन चलाते हैं और प्लॉट जा जाते हैं और यहाँ वहाँ घुमाते हैं। और ये हमारी बहन है जो कि छुप रही है, ये सिया, ये मत दिखाया कर कमरे की हालत देख तू।